बहुत बड़ी जीत है, बहुत सेटिस्फाइंग जीत है, बहुत बहुत मुबारक पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से, बहुत बहुत मुबारकबाद, शानदार विजय, और बहुत समय से जिस चीज का इंतजार था वो आज पूरी हुई है, तो बहुत ही खुशी का दिन है आज। श्रेय की अगर बात करें सर, तो किसे श्रेय देते हैं तमाम टीम इंडिया की प्लेयर्स और खास तौर पर किसे? मैं पूरी भारतीय टीम को इस जीत का श्रेय देता हूं। सभी ने अपना पार्ट प्ले किया, पूरे टूर्नामेंट में हर दिन नया हीरो बन के उभरा, और इसीलिए ये भारतीय टीम जीती है क्योंकि सबका परफॉर्मेंस रहा है, तो पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। खासतौर पर अगर विराट कोहली के अगर प्रदर्शन की बात करें सर, तो कैसा रहा प्रदर्शन? आज बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने और दिखाया कि वो चैंपियन प्लेयर है। ऐसे ही नहीं, उसको किंग कोहली कहा जाता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हमेशा टीम के लिए खेलता है, वही उसने आज भी किया। जब स्थितियां थोड़ी मुश्किल थी तो एक एंड को संभाला और बाद में दिखाया कि वो क्या कितने बड़े शॉट्स खेल सकता है। अगर चूक की बात करें सर, तो कहां पर आप देखते हैं कि थोड़ी सी कमी आपको नजर आती है कि रह गई हुई इस पूरे मैच में? नहीं, एक बार हम जीत गए हैं वर्ल्ड कप, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, और कोई गलती नहीं, सब गलतियां माफ हैं और भारत चैंपियन है, यही सबसे खुशी की बात है। मैन ऑफ द मैच की अगर बात करें सर, तो मैन ऑफ द मैच अब डिसाइड करेंगे, मुझे उम्मीद है कि शायद विराट ही होंगे। साउथ अफ्रीका एक चट्टान की तरह वो भी खड़ा था, वो उनके प्लेयर्स लिए क्या कहें, किस तरीके का उनका रुख रहा? बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, और एक समय जब क्लासन खेल रहे थे तो लग रहा था कि वो शायद एक दो ओवर पहले खत्म कर देंगे मैच, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अपना संयम बना के रखा, पेशेंस रखा, बहुत शानदार तरीके से फील्डर्स ने सपोर्ट किया और भारतीय मैच जीता और वर्ल्ड चैंपियन है भारत। आपको लगता है कि इसी तरीके का जो जोश है वो अब आगे भी बना रहना चाहिए? डेफिनेटली, बहुत मनोबल ऊंचा है भारतीय टीम का, और देखिए आप अजय रहे हैं, किस एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, एंड बहुत बड़ा क्रेडिट है भारतीय प्लेयर्स को कि वो एक भी मैच नहीं हारे। कठिन परिस्थितियां जरूर आई, जैसे फाइनल में आई, लेकिन अपना संयम बना के रखा, अपना फोकस्ड रहे और कड़ी मेहनत करके ये फाइनल जीता। उम्मीद है कि ये मोमेंटम आगे भी बना रहेगा तमाम खिलाड़ियों की तरफ से, आगे भी होने वाले तमाम खेलों में। डेफिनेटली, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा सभी प्लेयर्स को, बीसीसीआई को, कि बहुत शानदार ये एक अचीवमेंट है, सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये, जो सभी 140 करोड़ लोगों की दुआएं हैं वो पूरी हुई हैं। सब लोग चाहते थे कि भारत वर्ल्ड कप जीते और ऐसा आज हुआ है, तो बहुत ही खुशी का दिन है।